हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स इतनी बड़ी हिट सिर्फ इस वजह से नहीं हुई है कि लोगों को इसका कंटेंट पसंद आया। लोगों ने इसके जज्बात को बहुत अच्छे से समझा कि इसमें क्या मैसेज देने की ज़रूरत है और क्या दिया जा रहा है। वो ये नहीं दिया जा रहा है कि आपस में हम लड़ मरे, हमें ये दिया जा रहा है कि ऐसी अगर नाइंसाफ़ी हुई थी तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, और जो कोई भी इसको फर्स्ट नोटिस करे वहीं के वहीं आवाज़ उठाए ताकि गवर्नमेंट भी कोई टाइमली एक्शन ले पाए। सेकेंडली, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक इंडिकेशन था कि गवर्नमेंट भैया टाइमली हमें जस्टिस दे देना, इतने इतने सालों तक तड़पाना नहीं, ये मेन मोटिव था। और विवेक अग्निहोत्री की यही कोशिश है कि वो डेली फाइल्स के जो उनकी सेकंड मूवी आ रही है उसके अंदर भी कुछ सच्चाई दिखा पाएं। अब कश्मीर फाइल्स बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी देख ली थिएटर्स के अंदर, और 250 करोड़ रुपये का बिजनेस भी हो गया वर्ल्ड वाइड, 300 करोड़ भी हो गए, बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया। बट अभी भी कुछ लोग इसको सेकेंड टाइम देखना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत दिल दहलाने वाले सीन हैं इसके अंदर, तो चाहते कि घर के अंदर देख लें, फैमिली इन्वायरमेंट में देख लें। तो ये अब OTT प्लेटफॉर्म Zee5 के ऊपर भी रिलीज़ हो जाएगी और बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है। इनफैक्ट आज से तो इसकी प्रमोशनल प्लान भी शुरू हो गया है। अगर आप Zee5 के हैंडल के ऊपर जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि फटाफट से ये रिलीज़ होने ही वाली है। यहाँ पर जो इंडिकेटिव इसकी जो डेट आ रही है वो है 29th of April, इसी महीने आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो एक फ्राइडे भी है और एक बड़ी रिलीज़ Zee5 को चाहिए भी है, तो ये उस दिन आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसके अंदर डेट में हल्का फुल्का हेयर फेयर होता है, अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी 29th of April इसकी डेट बन रही है जिस टाइम आपको देखने को मिलेगी, और अभी से ही ताबड़तोड़ प्रमोशन इसकी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में 2 पोस्ट जा चुकी हैं, हर एक मीडिया चैनल ने और मैगजीन्स ने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हर कोई जो है टिकट खरीद भी नहीं सकता, तो जिन्होंने ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म के पैसे दे रखे हैं वो चाहेंगे कि वो इसको 29th of April को अपनी फैमिली के साथ देखें। और इसका मैसेज जिस स्पिरिट से विवेक अग्निहोत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे ही उसको कंज्यूम करें। तो अभी आप अपने कैलेंडर के अंदर ये वाला कंटेंट तो आप मार्क कर ही लो, बाकी मैं एक लिस्ट आपके लिए और भी लेके आऊँगा कि इस हफ्ते आप क्या क्या देख सकते हो। पिछले हफ्ते की लिस्ट मेरे से मिस हो गई थी क्योंकि बहुत बिजी वीक था, बट इस हफ्ते की लिस्ट मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।